हाँ भाई, अगर खुशकिस्मती नाल संत सतगुरु मिल जाते हैं तो सानू सच्चे दिलों उन्हां दे नाल प्यार मुहब्बत करनी चाहिए है। जो रास्ता संत सतगुरु सानू दसदे है, ईमानदारी नाल सच्चे दिलों मन नू या दुनिया दे ख्वाहिशां नू एक पासे रख के सच्चे दिलों उस नाम की उस रस्ते की कमाई करनी चाहिए है। संत सतगुरु साड़ी सुरत नू अंदरों ही शब्द नाम दे नाल जोड़ दिंदे हन। सानू दुनिया दा, दुनिया दे समान दा, दुनिया दी मान वड्याई दा प्यार कम करके अंदर जाना चाहिदा है। अगर असी दुनिया दी मान वड्याई नू अलग रख के दुनिया दे समान दा मोह छड के अंदर जावांगे, जिस दौलत दी सानू खोज है वह सारी ही सानू अंदर मिल जाएगी। पहला सानू जाके जोत दे दर्शन हुंदे है और उस दे विच्चों शब्द नाम दी उस नाद दी आवाज़ आ रही है। जद असी ये रोज़ रोज़ अभ्यास करते हैं साढ़े अंदर मुहारत हो जाती है। तुसी देख लो, कोई भी अभ्यास तुसी कर लो, पहला पहला कठिनाई जरूर महसूस हुंदी है क्योंकि नवा काम शुरू किया हुंदा है, लेकिन आखिर रोज़ रोज़ करन नाल उस दे विच सानू सफलता मिलती है क्योंकि मुहारत हो जाती है। फिर सानू कोई रोक नहीं सकता गा। पहला पहला साडे पैर सुन हुंदे है, गिट्टे सुन हुंदे है, इस तरह कलाइयां सुन हुंदियां है, बाकी दा शरीर सुन हो जाता है। और जब असी अखां दे पिछे आ जाने हैं, इन्हां छेयां चक्रां तय कर लेने हैं, फिर की है साडे अंदर नूर और प्रकाश पैदा हो जाता है। गुरु नाल अंदरों मिलाप होण करके साडा दुनिया दे समान विचों प्यार अपने आप ही निकल जाता है। अगर असी पहला बगैर उच्ची चीज दिखाया, बेशक तुसी किसे मंगते तो कौड़ियां खोहो, उदा थोड़ा जा समान हुंदा है, वह खो, वह मरन मारन ते तैयार हो जाएगा क्योंकि वह उस दे नाल बज्जिया होया है। अगर वो दे हाथ विच डालर या पाउंड फड़ा दो या 100 रुपए का नोट फड़ा दो, उनू कहन की जरूरत नहीं कि यह जिहड़ी गुथली है तेरी मंगण वाली, इस नू तू छड़ दे, अपने आप ही उधरों झाकेगा नहीं। इस तरह संत सतगुरु सानू अगर पहले दिन ये गल कहन कि तुसी इन्हां चीज़ां नू छड़ दिओ, असी घबरा जावांगे, छड़ नहीं सकते। संत सतगुरु साडे अगे वो आदर्श रखते हैं कि जिसनू पा के असी अपने आप ही ये दुनिया दे समान दे विचों ख्याल नू कढ दिंदे हैं, क्योंकि संत सतगुरु साडे अगे नाम की महिमा बयान करते हैं, नाम के फायदे दसते हैं, उस नू प्राप्त करन दा साधन और तरीका दसते हैं। जद असी वो उच्चे और सुचे नाम नू प्रगट कर लेने हैं, फिर कोई भी दुनिया के पदार्थों तक दे विच खुबदा नहीं गा। उस नू पता ही है, साडे हिंदुस्तान दा सानू पता है, रवाज है कि लड़कियां शुरू तो ही गुड़ियां पटोले रखदियां हन, उन्हां नाल खेडदियां हन, किन्ना चिर खेडदियां हन कि जिन्ना चिर उन्हां दी शादी ना हो जावे। जद शादी हो जाती है, गुड़ियां पटोलियां नू कोई सांभ के नहीं रखता क्योंकि उसका दिल उसका प्यार पति दे चरणां विच लग जाता है, एक होर घर दे विच उसका प्यार पै जाता है। इस तरह असी दुनिया के कर्म कांड, दुनिया के रीति रिवाज के अंदर असी उन्ना चिर ही फसे हैं, उन्ना चिर ही असी दुनिया के रीति रिवाज या दुनिया नू उची समझते हैं, जिन्ना चिर साडी शादी उस परमात्मा दे नाल नहीं हुंदी गी। कल मैं सत्संग ही दस्या सीगा कि जद तक साडी आत्मा शब्द दे नाल अटैच नहीं हुंदी, संतां तों जाके नाम प्राप्त नहीं करदी गी, उन्ना चिर इह कुआरी है। संत सतगुरु जिस वेले नाम दिंदे है उस वेले की करदे है, शब्द शब्द रूप हो के इस आत्मा दे नाल शादी कर लेंदे है। उस तो बाद स्वामी जी महाराज कहिंदे जद एक दफा शादी सतगुरु शब्द दे नाल हो जाती है, ये उस दी बीवी बन जाती है, हुण उहदी मर्जी है जदों वह ले जा सकता है। सो इस वास्ते जिहड़ा अच्छा पति हुंदा है वह अपनी बीवी वास्ते हर किस्म की कुरबानी करन वास्ते तैयार हुंदा है। उसनू पता है कि इस दी इज्जत मेरे हाथ विच है, मेरा फर्ज बनता है। ये तो एक दुनियावी पति की गल है, लेकिन जिहड़ा सच्चा पति कुल मालिक जिसका गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया है, हर की नार सदा सुहागण रांड ना मैले वेसै,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਰੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਰੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਰੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਾ ਸੰਗ। ਸੋ ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ।